नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में मंत्रियों के विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। आपने देखा है कि बीते दिन रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और राजद कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया। उसके बाद आपने देखा कि हर तरफ तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे और जनाब कहा तो ये भी जाने लगा कि ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ा फैसला बीते दिन रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ले लिया, इस फैसले को रवि उपाध्याय जी कितना सही कितना गलत मानते हैं? देखिए, एक बात हम जो समझ पा रहे हैं, जो SES हैं वो KK पाठक जब 19 फरवरी को लौट के आए तो उसी दिन से यह समझा जा रहा था, समझा जाने लगा था कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की विदाई अब तय है, विदाई अब तय है निश्चित रूप से जी। क्योंकि वो आप उससे पहले चलिएगा कि देखिए, यही KK पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच में जो विवाद चल रहा था उसमें वो 26 दिनों तक शिक्षा मंत्री नहीं आए थे और वो और जिस दिन जो शिक्षा KK पाठक छुट्टी पर गए तो शिक्षा मंत्री उस समय संभवतः बेगूसराय में थे, तो कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। यह शिक्षा मंत्री का बयान था। तो हम उसके बाद जब उनका जब KK पाठक लौट करके आए 19 तारीख को, तो अब उसमें कहीं कोई इफ बट की बात थी नहीं, कि लग रहा था कि अब जो है सो इनका जाना तय माना जा रहा था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उसी दिन कल ही जो है सो अशोक चौधरी और विजय चौधरी का 2 बयान आया था। जी, वो दोनों बयान भी अहम है, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा, संजय झा ने कहा, संजय झा ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलते हैं, यह बड़ी बात है। नंबर 1। नंबर 2 बात, विजय चौधरी ने कहा कि देखिए, जो उनको जो समझ में आता है वो उनको कोई समझा नहीं सकता है, तो वो अपने जो उनके दिमाग में चल रहता है वही करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं, और कल ही का यह निर्णय भी है, जो फेर बदल किया गया विभागों में वह कल का ही नीतीश कुमार का निर्णय है। तो वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार कैप्टन है, मुखिया है, उनको अधिकार है कि वो फेर बदल कर सकते हैं। तो यह फेर बदल कल क्यों किया गया, यह भी एक सवाल बनता है। और यह इतना उठा पटक, और उससे एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार से जाकर मिलने गए थे, तो लोगों का अंदर खाने में यह बात चल रही थी कि यह राय बना था कि इनको ऐसा करना है, इनकी विदाई कर देनी, इनकी विदाई। कतई ऐसी बात नहीं हुई थी, यह नीतीश कुमार ने एकदम जबरदस्त रूप से, कोई भी अगर कहता है कि नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी में बात होती है, यह हम मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि उन लोग को इसकी खबर ही नहीं थी कि ऐसा कुछ बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से, देखिए लालू तेजस्वी को यह खबर होगी और मान लेंगे। 3 ही विभाग का फेरबदल होगा, वो भी राजद कोटे का ही होगा, JDU कोटे से नहीं होगा, अन्य किसी कोटे से नहीं होगा, राजद कोटे से क्यों होगा? कौन सा इन लोगों ने अपराध कर दिया भाई? शिक्षा मंत्री, अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री को अगर यदि आप हटाते हैं, उनको गन्ना उद्योग दिया जाता है, तो गन्ना उद्योग क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रोफेसर है चंद्रशेखर, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। यह और आपने शिक्षा विभाग किसको दिया है? आलोक कुमार मेहता को। आलोक कुमार मेहता क्या शिक्षा और पढ़ने और पढ़ाने वाले डिपार्टमेंट से हैं क्या? प्रोफेसर चंद्रशेखर पढ़ने और पढ़ाने वाले डिपार्टमेंट से हैं, वह उसको जानते थे कहां पर कैसे करना है। और देखिए, सबसे बड़ा नियोजित शिक्षकों का मामला जो लंबे समय से 2006-05 से चला आ रहा था, इसको याद रखना पड़ेगा। उसको कौन टेकअप किया? उसको प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ही टेकअप किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं, इतने लोगों को नियोजन के लिए वो सब तरह की प्रक्रिया, जितनी तरह की बात, शिक्षा मंत्री वही थे। तो मतलब जब कहा जाता था कि भगवान भी जमीन पर आ जाएंगे तो भी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये संभव हुआ शिक्षा मंत्री के, शिक्षा मंत्री ने किया। तो यह बिल्कुल रूप से, यह देखिए,
जो तेजस्वी प्रसाद यादव का विजन है उस विजन से इनका विजन मिलता था, जब तक नौकरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव का है तो कहां से आसमान से आ जाता। तो यह इसके लिए होमवर्क निश्चित रूप से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया और तेजस्वी प्रसाद यादव की सहमति हुई तब जाकर के हुआ। भले कैप्टन नीतीश कुमार है वह इसका श्रेय लें, गांधी मैदान में बांट दे प्रथम चरण का दूसरे चरण का, वह अलग अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें उठा पटक। लेकिन यह निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव के विजन से विजन मिला करके प्रोफेसर चंद्रशेखर चल रहे थे और ये पढ़े लिखे प्रोफेसर उसी समाज से आते हैं, शिक्षा पढ़ने और पढ़ाने वाले से, तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है विभाग में। इनको एक मतलब इसको इनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, नहीं नजर कतई नहीं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो अभी आपने बात कही, मेरा सवाल भी वही है आपसे कि आखिर क्यों गाज जो गिरी वो राजद कोटे के मंत्रियों पर ही क्यों गिरी, सिर्फ उनका ही विभाग क्यों बदला गया, क्या लगता है क्यों किया ऐसा नीतीश कुमार ने? देखिए यह जो कयासबाजी या जो हम लोग कहें या जो अंदर खाने में चल रही है राजनीतिक गलियारे में पिछले कुछ दिनों से घमासान जो मचा हुआ है उसी का यह लब्बो लवाब उसी का यह परिणाम सामने निकल करके आया है कि तीनों राजद कोटे के मंत्रियों क्यों जब बदलना ही था तो सबका बदल देते, वही वही तो सफल करना था तो सबका सफल होता, वही तो हम जानना चाहते हैं जी। तो यह बात क्या है, ये कैसे हुआ? फ्रंट फुट पर खेलने फ्रंट फुट पर खेल दिया कि बॉस तो हम ही हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पर खेलने वाली बात पर मुहर लग गई, मुहर लग गई कि नीतीश, और यह इस पर भी मुहर लगी कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करते हैं, वही करते हैं। तो यह दोनों बात देखिए दो, हम लोग तो सिर्फ डॉट को डॉट मिलाते हैं उससे हम लोग बात करते हैं, हम लोग के पास में तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्योतिषाचार्य हम लोग है नहीं। तो यह बात देखिए किस तरह से नीतीश कैबिनेट के जदयू कोटे के दो मंत्री जो बड़े सीनियर मंत्री हैं जो विश्वसनीय हैं नीतीश कुमार के, उनके बयान के बाद यह सब, मतलब कि उन्होंने पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, बड़ा इशारा बड़ा संकेत बड़ी पेशनगोई कर दी थी कि कुछ होने जा रहा है। देखिए हुआ भी देर शाम ढलते ढलते रात ढलते ढलते ये खबर हो गई कि तीनों राजद कोटे के मंत्रियों का विभाग में फेरबदल कर दिया गया और दिखा दिया गया चंद्रशेखर बोगस थे, चंद्रशेखर ऐसा कोई काम करने वाला व्यक्ति था 24 घंटा जहां तक हम चंद्रशेखर जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि उनके जैसा शालीन स्वभाव का और काम करने वाला जुझारू व्यक्ति आपको कम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये कोई कहता है तो हम इसको नहीं मानते। देखिए के पाठक निश्चित रूप से एसीएस हैं विभाग में, अगर यदि एक्सक्यूट करने का उनके पास पावर है वो ठीक है, लेकिन बगैर मंत्री की सहमति के इतना बड़ा काम हो सकता था? बिना तेजस्वी प्रसाद यादव के सहमति के ये सब नियोजन है ये सब प्रक्रिया होती सब कतई नहीं होने वाला था समरीन, यह बात मानने वाली है। और निश्चित रूप से यह बेहतर नहीं हुआ है, अगर यदि हम कहें बेहतर फैसला नहीं हुआ, चंद्रशेखर को हटा करके बेहतर नहीं हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अच्छा, ये भी हमें याद करना होगा और अपने व्यूअर्स को भी याद दिलाना होगा रवि उपाध्याय जी कि अशोक चौधरी ने कुछ दिनों पहले एक बड़ा बयान दिया था, साफ साफ कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। और देखिए हमने देख लिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि आई एम द बॉस। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई लालू तेजस्वी अचानक से सीएम आवास पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करते हैं, तो क्या उस दिन कुछ तो बात हुई होगी ना रवि उपाध्याय जी, कुछ तो फैसला हुआ होगा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी कोई शर्त रख दी होगी। देखिए कोई शर्त वर्त क्या, राजनीति में क्या शर्त होगी, नीतीश कुमार आज शर्त रखने के पोजीशन में है क्या? 45 विधायक उनके पास में है, कौन सा शर्त रखेंगे? दिखा दिया यही हम बताना भी चाह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, बॉस हम ही है, युवा सब, जबकि बड़े भाई हैं राष्ट्रीय जनता दल, बड़े भाई हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बावजूद इसके जो है सो जदयू जो है सो इस तरह से अपना आरजेडी कोटे में, तो वह क्या साइन करता है, वह क्या बताता है कि देखिए हम जो चाहेंगे वही होगा। यही ना, यही मैसेज तो यही है पूरे लोगों में, बिहार की जनता में, कि देखिए नीतीश कुमार ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया, कप्तान वही है, टाइगर है जिंदा अभी भी। तो यह सब देखिए इस तरह से नहीं होता है, गठबंधन में अलायंस में इस तरह से टाइगर बनना और हम जो चाहेंगे फ्रंट फुट पर खेलेंगे बॉस, यह सब चीज नहीं होता, यह सब गठबंधन ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। क्या लग रहा है आपको, कुर्बानी इसी तरह से अब देने की आदत डाल लेनी चाहिए आरजेडी को लालू तेजस्वी? नहीं, देखिए नीतीश कुमार तो टस से मस नहीं होंगे। देखिए लालू तेजस्वी कुर्बानी नहीं देंगे, देना पड़ेगा, वो मंत्री है नीतीश कुमार। देखिए वह सब समय आपको बताएगा जी, यह भी समझ लीजिए समय बताएगा, समय आ रहा है, बिल्कुल। देखिए आप जी,
एक चीज समझ लीजिए, माइनस लालू जो है सो आप जो है सो कुछ नहीं कर सकते, माइनस तेजस्वी आप आरजेडी कुछ, तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले 2020 में चुनाव में दम मिले, इतना बड़ा वो अंक वो गणित लेकर के आए, विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आए, किसी को पीछे में नीतीश कुमार थे क्या या कोई था क्या उनके पीछे, लोग तो सब लोग इतना इतना हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, तेजस्वी अकेला हेलीकॉप्टर उड़ा करके वो जो है सो जहां दम दिखा दिया। तो यह देखिए वोट निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव के पाले में है, तेजस्वी प्रसाद यादव के पास में है, और इससे घबराहट है इंडिया एनडीए में। अच्छा। ये आप समझ लीजिए एनडीए तमाम तरह का वो जितना भी तुकम पैजाम जो भी जो राजनीतिक उठापटक जिस तरह की खिंचपाच हो रही है, तोड़ जोड़ की बात हो रही है, वह सब हो रही है, तो क्यों हो रही, घबराहट तो है ही एनडीए में। तो यह और यह सब क्या है, यह सब बताता है कि आरजेडी के आने से ही घबराहट, आरजेडी जब जेडीयू में साथ में है तो यह जो दोनों जो बड़े भाई छोटे भाई मिल गए हैं उसके बाद से ही घबराहट है। और यह सब जो है सो स्ट्रेटजिकल, देखिए यह सब भी कुछ ना कुछ जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कुछ होगा कुछ होगा, यह सब होना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया, यही सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए आपको 27 तारीख को नरेंद्र मोदी की रैली थी जो आने वाले थे मोतिहारी में, उनका संभवतः कोई कार्यक्रम था, वह भी जो है तत्काल स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो यह सब क्या है, यह सब दिखाई पड़ रहा है, ये सब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वक्त दे दिया गया है निश्चित रूप से, जब अभी आपके पास वक्त है, अभी हम नहीं आ रहे हैं, देखिए स्थगित करने के पीछे एक बात तो समरीन है ना कि अगर यदि प्रधानमंत्री आते तो किसके खिलाफ बोलते, निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री, इसीलिए तो बैठे हैं कि हम देखें कि आप बोलते हैं कि नहीं बोलते। हाँ वो बोलते नीतीश कुमार के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ बोलते, तो ऐसे में अगर यदि महागठबंधन के खिलाफ भी बोलते तो कैप्टन तो नीतीश कुमार हैं, तो सारा गाज नीतीश कुमार पर भी नरेंद्र मोदी का गिरता, तो ऐसे में वह जो है सो बहुत ही चालाकी के साथ बहुत कुछ इस बार भी स्थगित करके रद्द कर दिया गया उसको। अब दिखाया जाएगा कि भाई देखिए लोकसभा का सत्र है, ये है वो, तो 10 तरह की बात दिखाई जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ तो चल रहा है। और देखिए एक बात और है, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो शिक्षा मंत्री, तो वो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो किस लोकसभा क्षेत्र में, वह मधेपुरा है, मधेपुरा जो बहुत कहते हैं ना रोम जो है वो मधेपुरा जो है वो गोप का, तो वहां से आते हैं वो, और वहां से प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वहां पर देखिए मधेपुरा में जादवों की एक अलग पहचान है, आप सब जगह जाइएगा और वहां पर जाइएगा तो निर्णायक भूमिका तो है ही है, बहुत अवेयर है वो, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां आप उनको ठग ठुक की बात नहीं कर सकते वहां। और शुरू से अब वहां पर जैसे जदयू वहां पर सिटिंग सीट है, वहां पर दिनेश चंद्र यादव वहां पर एमपी हैं भी जदयू कोटे से, तो उस सीट पर देखिए जीच बना हुआ है, क्योंकि वहां लालू प्रसाद यादव भी वहां पर शुरू से बैटिंग बॉलिंग करते रहे हैं, गाहे बेगाहे क्या वो जब भी, तो वो चाहते हैं कि यह सीट मधेपुरा की जो सीट है वो मेरे पाले में आए। जेडीयू तो कह दिए कि मेरी सिटिंग सीट पर आंख उठा के भी नहीं देखा। हाँ यही तो पेच, यह भी पेच फंसा हुआ है वहाँ, यह भी पेच फंसा हुआ है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कयास तो देखिए कई तरह के लगाए जाते हैं, कहा तो ये भी जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव मुसलसल दबाव बना रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कि अब आप सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए, अब आप मेरे बेटे तेजस्वी यादव की अब ताजपोशी की तैयारी कीजिए, तो अब हम इन तमाम कयासों पर भी विराम लगता हुआ समझे रवि उपाध्याय जी। देखिए एक बात है, ये लालू प्रसाद यादव क्यों दबाव मानेंगे, नीतीश कुमार भी तो अपने आप पब्लिक डोमेन में जाकर के सबके बीच में कह चुके हैं तेजस्वी के पीठ पर हाथ फेरते हुए कि यही बिहार का युवा है, यही देखेगा, अब इसी को देखना है, इसी के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर दबाव बनाने लगे, फिर दबाव देखिए लगातार तमाम नेता कहते ना डील हुई है भाई, डील हुई है तो छोड़िए कुर्सी, वही तो हम कर रहे हैं, यह हम ही नहीं कर रहे, उपेंद्र कुशवाहा भी, उपेंद्र कुशवाहा जो डील वाली बात पर ही अलग हुए थे, वो उस समय जदयू के तत्कालीन संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो इसी बात पर वो छोड़ के आए कि देखिए अंदर खाने में नीतीश कुमार और जो है लालू प्रसाद यादव में डील हुई है, तो डील हुई है इसीलिए वो छोड़ के आए। तो यह हम आप कोई नहीं कर रहा, वो अंदर की बात, वही बड़े नेता जो कभी उनके साथ में रहा करते छोटे भाई थे, छोटे वो लोग कहते हैं, तो निश्चित रूप से डील तो हुई है। अब देखिए अब तो नहीं होगी ना ताजपोशी, अभी तो तेजस्वी को इंतजार करना होगा, निश्चित लंबा इंतजार जो खेल हो रहा है उस
उसमें तो लगता है कि जो इधर कूद फान अगर यदि हुआ तो फिर वो सिनेरियो पूरा बदला हुआ नजर आएगा। वो कभी जो साथ में एक नौका पर बात हो रही है, अब दूसरे नौका पर चढ़ने की बात होगी। तो यह सब जो दिखाई पड़ रहा है, और हम लोग भी 25-27 के इंतजार में हैं। 25 और 27 बड़ी तारीख होने वाली है, मतलब उस वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मांझी ने भी कह दिया अपने विधायकों को कि 25 तक तो आपको पटना में ही रुकना है। बिल्कुल मैं रुकना है। और देखिए, एक कल का जो स्वास्थ्य विभाग का विज्ञापन जो छपा था नीतीश कुमार का, वह भी कुछ इशारा करता है, क्योंकि कहीं पर नाम नहीं था, फोटो नहीं थी। तेजस्वी प्रसाद यादव का वह डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग, उसमें कहीं उनका नाम नहीं, कहीं नाम नहीं, फुल पेज पर स्वास्थ्य विभाग का वो था, और उसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार का था। एक लाइन भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव है या स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से भी उनका विभाग का नाम होगा, वह भी नहीं था। तो यह सब संकेत तो कर रहा है। एक आखिरी सवाल जो मैंने शुरू में कहा कि ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्या लग रहा है, पूरी पिक्चर क्या दिखाएगी? देखिए, पूरी पिक्चर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि होने वाला है कुछ, तो वही कुछ होगा, और होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संकेत अब इससे बड़ा बड़ा भी संकेत होगा क्या? जितना चीज हम लोग गिना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या होगा? अब इसमें कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब यह जो तो अब दिखाई पड़ रहा है कि लोग किस तरह से ये अपना एग्जीक्यूट करने के, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लान रेडी है, बस एग्जीक्यूशन, बस एग्जीक्यूट करने की तैयारी है। और ये इसको कहीं ना कहीं ये लोग मूर्त रूप देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अंदर खाने में चल रहा है। आप जो नीतीश कुमार के थिंक टैंक हैं, वह उनसे आप जरा पूछिए, वह लोग क्या कर रहे हैं? वह लोग भी चुपचाप से इधर उधर एस्केप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह सब होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कोई लाख बोल दे दावा के साथ, आप सबसे बोलिए, आप चिराग पासवान से बात करिए, वह भी बोलते हैं कि कुछ होगा। आप पशुपति कुमार पारस से पूछिए, वह भी बोलते हैं कुछ होगा। उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए, वह भी बोलते हैं। जीतन राम मांझी से बोलिए, वो तो ट्वीट ही कर रहे हैं, वह ट्वीट ही कर रहे हैं। तो वह ऐसी परिस्थिति में अब कौन बचा कहने वाला? अब स्वयं तो आकर के ये लोग बोलेंगे नहीं कि हम कूद करके इस नौका पर चढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे हम इस नौका पर चढ़ रहे हैं। और जिस तरह से अभी जो सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है, तीन मंत्रियों के राजद कोटे का ही जो दिखाई पड़ रहा है, सबसे बड़ा उसको लाल घेरे में ले आए, तो यह कहीं ना कहीं यह तो असहज कर रहा है। बड़ा इशारा है, बड़ा संकेत है। तो सुना आपने कि अब तो संकेत दिए जा रहे हैं, बस आपको देखना है कि आगे आगे पिक्चर में और क्या होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़।